हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फैक्ट पे। और आज की जो हमारी ये वीडियो है उसका टॉपिक है अवकलन, ठीक है, डिफ्रेक्शन। तो इस अवकलन से जो अपने मैथ के पेपर के अंदर न्यू टाइप में भी क्वेश्चन आते हैं इसके जो सूत्र हैं उनसे, और एक 15 नंबर का क्वेश्चन भी कई बार इससे पूछ लिया जाता है जो कि इनके जो सूत्र हैं उन पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम इनके सूत्रों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इसका पहला जो सूत्र होता है वो कौन सा है, तो इसके अंदर क्या है कि अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर x की घात n दिखाई दे, ठीक है, n का मतलब है कोई भी संख्या आ सकती है यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई भी आ सकता है यहाँ पे, वर्ड ए बी सी डी वगैरह कुछ भी वो संख्या आ सकती है, ठीक है। तो उसका हम क्या करेंगे कि अगर ऐसा हमको कहीं पे दिखाई दे तो उसका अवकलन करना हो, तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, ऊपर जो संख्या है वो आगे रख देंगे और उसमें से एक माइनस करके उसकी घात लगा देंगे, ठीक है। तो ये है पहला नियम, पहला सूत्र, जो आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। इस पे डिपेंड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 2 नंबर वो सूत्र है डी एक्स ई की घात एक्स किसके बराबर होगा, ई एक्स के, यानी कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमसे अगर ई की घात एक्स पूछ ली जाए, ठीक है, ई की घात एक्स का मतलब हमसे अवकलन पूछ लिया जाए तो उसका अवकलन क्या होगा, ई की घात एक्स ही हो जाएगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, जैसा है वैसे का वैसा लिख देंगे, ठीक है। ये है 2 नंबर। अब 3 नंबर जो है अपना वो क्या है, डी एक्स डी बटे डी एक्स ए एक्स ए की घात एक्स, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या होगा, ए एक्स लॉग ए, ठीक है। तो आपको इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ई और ए में क्या फ़र्क है, तो ई है यहाँ पे हमेशा ई ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे ए की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए की जगह अपने को कुछ भी बदल के दे सकता है एक्स, यानी कि कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ ई की घात एक्स ही आएगा, और जिसका अवकलन क्या हो जाएगा, ई की घात एक्स, जैसा है ऐसा का वैसा रख देंगे। और अगर कोई ई के अलावा अगर कोई भी, ठीक है, वर्ड आए और उसकी घात अगर एक्स हो तो उसका अवकलन क्या होगा, जैसा है वैसा लिख देंगे और फिर उसके आगे लॉग ए आ जाएगा, ए यानी कुछ भी आ सकता है। उसके बाद में 4 नंबर डी बटे डी एक्स कॉन्सोनेंट का अवकलन क्या होगा, 0। कॉन्सोनेंट यानी अचर राशि, यानी कि एक्स के अलावा और कोई भी आए, ठीक है, यानी कि कोई भी एक ऐसा वर्ड या फिर कोई भी गिनती का कोई अक्षर आ जाए, ठीक है, 1 2 3 या ए बी सी आ जाए, जिसके एक्स घात में या गुणा में वगैरह एक्स न हो, ठीक है, तो उसका क्या हुआ, अवकलन 0 होगा। जैसे अगर सीधा ए बी सी या 5 7 9 कुछ भी आ जाए, ठीक है, उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद में 5 नंबर देख लेते हैं, डी बटे डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/x, यानी कि लॉग अगर x के आगे आए, ठीक है, यानी कि मान लीजिए x के आगे या फिर x की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो वहाँ पर अगर लॉग आए, ठीक है, तो इस लॉग का क्या करेंगे कि इसको हटाने के लिए इसके आगे जो भी वर्डिंग है उसको इन्वर्स कर देंगे, यानी कि उसके 1/ में लगा देंगे, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ये 5 फॉर्मूले। अब इनसे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ये वीडियो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे पार्टों में समझोगे तो आसानी रहेगी। तो अब हम क्या करें कि पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं, पहले सूत्र को ले लेते हैं। पहला सूत्र क्या है अपना, इसको आपको अच्छे से याद कर लीजिए, इसको आप 2 3 बार लिख लीजिए, कैसे भी याद कीजिए, अगर ये याद नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, अगर ये आपको याद है तो आप अच्छे से इसको हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो अपने को न्यू टाइप में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर वाई अपने को दे दिया एक्स की घात 7, ठीक है, ये है, तो अपना अवकलन ज्ञात कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो अवकलन आप यहाँ पे कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी बटे डी एक्स, वाई का मान क्या है यहाँ पे, एक्स की घात 7, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये सिचुएशन मिल गई हमको, मैंने बोला था इनके स्थान पे कुछ भी आ सकता है, 7 आ गया, तो अब क्या करेंगे, पहले 7 रख देंगे एक्स, और 7 में से 1 घटाने पर क्या आ जाएगा, 6, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7x की घात 6, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, और उसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक x की घात 3/2, ठीक है, तो ये हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो डी बटे डी एक्स वाई क्या है यहाँ पे, x की घात 3/2, ठीक है, तो क्या करेंगे, 3/2 को आगे रख लेंगे, 3/2 एक्स 3/2 माइनस 1, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3/2
एक्स की घात, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं ब्रैकेट में सोल्व को लेता हूँ एक बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। ये हैं, अब तीस दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, ये अपना दूसरा फॉर्मूला। तो अभी इस फॉर्मूले से रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, ई की घात एक्स की घात 2, ठीक है, ई है मैन हमारे पास, तो अब क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू d/dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x की घात 2 है, इसको हम एक बार क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है, इसको हम एक बार x मान लेंगे, तो इसके इक्वल हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसका वो क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ये तो सॉल्व कर लिया हमने e को, तो e सॉल्व हो गया। अब इसके ऊपर बचा ये, इसको हमने x माना था, बल्कि ये x है नहीं, इसको सिर्फ हमने x माना था, तो इसको x माना था, तो अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये x है नहीं, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो d/dx x2। अब यहाँ पे पहला फॉर्मूला लगेगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहला फॉर्मूला तो लग ही जाता है, ठीक है, तो उसको तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, वो न्यू टाइप में भी बहुत बार सीधा पूछ लिया जाता है। क्या आएगा यहाँ पे, 2x, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। इससे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे, तो यहाँ पे हमको क्या मिला है कि e की घात √x, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले e को सॉल्व करेंगे, तो e की घात x, इसको हम एक बार x मान लेते हैं, तो यही वापस आ जाएगा, और अब ये x हमने इसको x मानना था, बल्कि ये x है नहीं, तो अब इस रूट एक्स को सॉल्व करेंगे, तो रूट एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब इस रूट एक्स को, ये हमसे सीधा न्यू टाइप में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि रूट एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका हम पहले फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूले से मैं इसको आपको ज्ञात करके दिखा देता हूँ एक बार, जैसे रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब क्या हुआ कि इसकी घात है वो 1/2 है, यानी कि आधी घात है, और अब इसको सॉल्व करेंगे कि 1/2 में से 1 घटाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है, तो -1/2 को अगर हम नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, और 1/2 है यानी कि होगा तो रूट एक्स ही, माइनस है, इसको प्लस करेंगे तो 1/√x, और इसको अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, 2√x, ठीक है, ये हो गया अपना रूट एक्स का मान, रूट एक्स का मान ये होगा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है, दो नंबर फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे तीन नंबर फॉर्मूले पर, तो तीसरे फॉर्मूले में क्या है कि इसके अंदर तो ई है, ई की जगह सिर्फ ई ही आएगा, यहाँ पे ए की जगह कुछ भी आ सकता है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, कुछ भी आएगा, ठीक है, जैसा होगा वैसा का वैसा लिख देंगे एक बार, और फिर लॉग और उसके बाद में जो नीचे संख्या आएगी वो लिख देंगे, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, तो dy/dx, d/dx, y क्या है, y का मान 2x है, तो y क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले ax जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, तो यहाँ पे 2x, और फिर log आगे क्या है, 2, तो 2 आ जाएगा log 2। इस पे हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, अब इसका वो लिख लेते हैं dy/dx, तो y क्या है, p√x, p की घात √x, तो अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर देंगे, p√x log p, इसको तो हमने सॉल्व कर दिया, अब यहाँ पे x आना होना चाहिए था, ठीक है, ये जैसा कि आपको दिख रहा है ए एक्स, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, इस यहाँ पे √x है, तो अब इस √x को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर d/dx, यहाँ पे दूसरा क्या है, √x, ठीक है, तो अब ये तो एज इट इज चलेगा, रूट एक्स का मान क्या होगा, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है हमने क्या होगा, इसको आप एक तरह से याद ही कर लीजिए, पूछ सकता है ये हमसे नो टाइप के अंदर, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है, क्या रूट एक्स का मान 1/2 रूट होता है, रूट एक्स ऐसा पूछा जा सकता है नो टाइप में भी,
तो क्वेश्चन निकालिए आप, हर एक जगह से क्वेश्चन बनती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन, तीसरे वो फॉर्मूले का। अब चार नंबर फॉर्मूला, चार नंबर फॉर्मूला क्या है अपना कि डी बटे डी एक्स कॉन्स्टेंट का मान हमेशा जीरो होगा। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि कॉन्स्टेंट यानी कि कोई भी अचर राशि हो उसका मान क्या होगा, जीरो होगा। जैसे कि हमको अगर दे दिया जाए वाई बराबर 6 है तो इसका मान निकालिए, तो वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे मान जीरो ही आएगा। एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे अगर दूसरा कोई पूछ लिया जाए कि जैसे वाई बिकी का 2, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि वो नहीं होना चाहिए, एक्स एक्स नहीं होगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट के अंदर, तो एक्स नहीं होगा उसका मान हमेशा जीरो होगा। तो वाई बी की घात 2 है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, अचर राशि है। और अचर राशि का मान इस अवकलन के अंदर क्या होता है, जीरो होता है, उसका अवकलन, अचर राशि का अवकलन क्या होगा, जीरो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कर लेते हैं फाइनल अपना पाँच नंबर फॉर्मूला आज का, फिर कल इसकी सेकेंड वीडियो आ जाएगी, आप कमेंट कर सकते हैं अच्छे अच्छे पाँच नंबर फॉर्मूला है डी बटे डी एक्स लॉग एक्स का मान क्या होगा, 1/x। यानी कि कोई भी संख्या अगर लॉग में दी गई हो हमें, कोई भी संख्या लॉग में दी गई हो तो उसका क्या होगा, उसको 1/ में डाल देंगे, ठीक है, उसका क्या आ जाएगा, 1/। जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दे दिया कि y बराबर लॉग x की घात 3, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकेला x नहीं है, यहाँ पे x की घात 3 है, तो इसको हम एक बार x मान लेते हैं, x की घात 3 को। ऐसा लगभग हर क्वेश्चन में चलता है कि वहाँ पे जो आगे जो संख्या दी होती है ना, वो हमें एज इट इज़ फॉर्मूले जैसे नहीं दी होती, वहाँ पे थोड़ी अलग होती है, ठीक है। तो उसको एक बार फॉर्मूले के समान मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स है ना, तो एक बार इसको एक्स की घात 3 को एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, कर दिया सॉल्व, लेकिन यहाँ पे एक्स था नहीं तो अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो हमने लॉग लॉग को केवल सॉल्व किया है, अब इस संख्या को, ये जो आगे एक्स की घात 3, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। डॉट 3x की घात 2, ये हो गया अपना आंसर। अब हम अपना आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, लॉग रूट एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले dy बटे dx कर देते हैं, तो यहाँ पे पहले लॉग को सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये केवल यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे रूट एक्स है, तो पहले लॉग को सॉल्व करेंगे फिर रूट एक्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लॉग को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√x, लेकिन अब रूट एक्स भी बाकी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी बटे डी एक्स और रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या मान होता है वो मैंने अभी अभी आपको सॉल्व करके दिखा दिया है क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई आज की हमारी वीडियो अवकलन पर, जिसके अंदर हमने पांच फॉर्मूलों के बारे में बात किया है। इसके बाद में हम आगे के जो 15 बचे हुए फॉर्मूले हैं उन पर बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बता देना कि आपको अगला पार्ट है वो कितना जल्दी चाहिए, जितने आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी बना दूंगा, ठीक है। और बस जय हिंद जय भारत, सपोर्ट करना, ओके बाय।